आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो खाने में तो बहुत बढ़िया है ही, साथ ही हमारी सेहत के हिसाब से बहुत अमेजिंग है। ये सब्जी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, साथ ही जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। साथ ही ये सब्जी है एंटीबैक्टीरियल, यानी ये हमें बहुत सारी बीमारियों से दूर रखने वाली है। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं सहजन की फली की सब्जी। और मैंने तो आपको इसके कुछ ही फायदे बताए हैं, लेकिन इस सब्जी में ढेरों फायदे हैं। लेकिन इसकी सबसे खराब बात यह है कि ये साल में केवल एक महीने आती है, और इन दिनों ये सब्जी इजीली अवेलेबल है, इसलिए इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। रेसिपी को ट्राई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने ली है 250 ग्राम सहजन की फली, क्योंकि इस समय इनका सीजन चल रहा है, इसलिए ये एकदम पतली पतली हैं और आप देख सकते हैं कि ये एकदम कच्ची हैं, क्योंकि पक जाने के बाद में ये काफ़ी मोटी हो जाती हैं और इनके अंदर रेशा आ जाता है, और इस समय ये एकदम कच्ची हैं, आप इन्हें हाथ से भी तोड़ सकते हैं। तो सारी फलियों को मैंने अच्छे से धो लिया है, और धोने के बाद में हम इनके आगे पीछे के जो सिरे हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा कट कर देंगे और इन्हें छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। मैं यहाँ पर इन्हें थोड़े लंबे टुकड़ों में काट रही हूँ, आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस में भी इन्हें कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी फलियाँ हमारी कटकर एकदम तैयार हैं, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और नेक्स्ट स्टेप में हम बनाने वाले हैं इसके लिए ग्रेवी। तो यहाँ ग्रेवी के लिए मैंने ली है 1 कप प्याज और 1 कप टमाटो प्योरे। यहाँ पर प्याज को मैंने मोटा मोटा काट लिया है, साथ ही हमें चाहिए थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। यहाँ पर टमाटर तो हमारा पहले से ही पिसा हुआ तैयार है, और अब मैं प्याज को एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और इसके बाद में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। हरी मिर्च की क्वांटिटी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखनी है, और यहाँ पर मैंने 15 से 20 कलियाँ लहसुन की ली हैं। तो सारी चीज़ों को हमें एकदम दरदरा पीस लेना है, और ये लीजिए फटाफट से मेरी सारी चीज़ें दरदरी पीस के तैयार हैं। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर एक पैन में मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून देसी घी। वैसे इस सब्जी का टेस्ट सबसे अच्छा सरसों के तेल में आता है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 तेज़पत्ता, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी दरदरी ताजी कुटी हुई एकदम लौंग और काली मिर्च। यहाँ 2 से 3 मैंने लौंग ली थी, जबकि 4 से 5 मैंने काली मिर्च इसके अंदर ऐड की थी। और 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून जीरा। सारे मसाले को अच्छे से भून लें, और मसाले के अच्छे से भुन जाने के बाद में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दरदरी पिसी हुई प्याज, और लो फ्लेम पर हम प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक कि ये एकदम ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज एकदम ड्राई हो चुकी है, इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म कर दिया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करें, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करें। एक बार फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो हमने सूखे मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं वो भी अच्छे से भुन जाएं। और जब मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा बेसन। तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बेसन को ऐड करने से पहले उसे ज़रूर भून लें, ताकि उसका कच्चापन सब्जी के अंदर महसूस ना हो। और भुने हुए बेसन को भी मसाले में डालने के बाद में हमें थोड़ा सा भून लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका है, और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ टमाटो प्योरे। यहाँ पर 1 कप टमाटो प्योरे का मैं यूज़ कर रही हूँ, और अब दोनों चीज़ों को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से नहीं भुन जाए। अब क्योंकि मैंने इसके अंदर बहुत कम ऑयल डाला है, इसलिए ऑयल इससे अलग नहीं हुआ है। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी और ऐड कर दी है। तो यहाँ पर अगर आप इसमें ज़्यादा ऑयल करते तो साइड से ऑयल भी रिलीज़ होने लगता, बट सब्जी को थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए, इसकी कैलोरीज़ को लो रखने के लिए मैंने इसके अंदर कम ऑयल का यूज़ किया है। तो यहाँ पर सारा मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, और अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं सहजन की फलियाँ। तो यहाँ पर हम फलियों को और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ सब्जी को मैं बनाने वाली हूँ पैन में, आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी ट्रांसफ़र करके एक विसल आने तक प्रेशर कुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी। यहाँ लगभग 200 ml मैंने पानी ऐड किया है। पानी आप अपने डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, यानी जितनी पतली आपको सब्जी चाहिए या जितनी थिक आपको सब्जी चाहिए उस अकॉर्डिंग इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये सब्जी अभी भी थिक लग रही थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को मैंने इस समय मीडियम पर कर दिया है, और इसे मैं इसी तरह से पैन में पकने दूंगी, लेकिन आप चाहें तो इसे इस पॉइंट पर प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसे एक विसल आने तक प्रेशर कुक कर सकते हैं।
और अगर आप मेरी तरह पैन में पका रहे हैं तो पैन में पकाते वक्त इसे लिड से ढक दें। इसको पकने में हार्डली हमें 5 से 7 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर एकदम तैयार है और आप देख सकते हो कि देखने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो आज की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग बिंज क्रेविंग्स।